वायरस। दिल्ली में डॉक्टर 14 दिन लगातार करेंगे काम, फिर 14 दिन का आराम। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने आने वाले समय में रोगियों से निपटने के लिए नई व्यवस्था बनाई है। नए फैसले के मुताबिक सभी मेडिकल टीम 2 शिफ्टों में काम करेगी। एक टीम सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यानी कि 10 घंटे का काम करेंगी, जबकि दूसरी टीम शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 8 बजे तक यानी कि 14 घंटे। इन सभी को लगातार 14 दिनों तक काम करना होगा। इस दौरान उन्हें किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हालांकि 14 दिनों के बाद इन्हें फिर 14 दिनों का ब्रेक भी मिलेगा। इस दौरान उन्हें क्वारंटीन रखा जाएगा, यानी कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ 14 दिन काम करेंगे और फिर 14 दिन आराम करेंगे। जाहिर है कि कई बार कोरोना संक्रमण का असर दिखने में 14 दिनों का समय लगता है। ऐसे में अगर कोई मेडिकल स्टाफ काम करते हुए कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो क्वारंटीन रहने के दौरान उसके लक्षण दिख जाएंगे, जिससे न केवल व्यक्ति विशेष का सही समय पर इलाज हो सकेगा बल्कि दूसरों में भी इसे फैलने से रोका जा सकेगा। दिल्ली के कुल 21 हॉस्पिटल्स पर राज्य सरकार का यह नियम प्रभावी होगा। जाहिर है कि दिल्ली में 15 सरकारी अस्पताल हैं और 6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। सभी अस्पतालों में काम करने वाले मेडिकल स्टाफ को यह नियम मानना होगा।